मैं डॉक्टर एम ए रहीम जनरल फिजिशियन हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन में, जहाँ पे हम लोग 100 बेड ऑक्सीजन के बेड्स है, जहाँ पे हम आजकल ऑलमोस्ट 50 बेड्स पे पेशेंट्स रख के अभी ट्रीट कर रहे हैं। और किसी को भी जिसका सैचुरेशन 85 या 90 तक भी रह रहा है, वो लोग हमारे हॉस्पिटल आकर वो लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास मेडिकेशंस के लिहाज से हो या वेंटिलेटर्स हो या बाईपैप मशीन्स हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये सारी सहूलतें, सारी चीज़ें हमारे कलेक्टर साहब, एमएलए साहब और जो हमारे ZPTC चेयरमैन साहब और मिनिस्टर साहब की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब तो और भी अगर किसी को कोई, अगर जैसे कि आजकल जो नया ब्लैक फंगस के बारे में जिक्र निकल रहा है कि ब्लैक फंगस होने के कारण बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम लोग जिसको शुगर है या फिर कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे रह रहे हैं या रस्टेड सिलेंडर के ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं घर के पास, या फिर जो ह्यूमिडिफायर के अंदर पानी ज़्यादा भर के रख के उसका पानी अगर पाइपलाइनिंग में जाकर उनके नाक में जाता है, तो ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस ज़्यादा ग्रो होता। तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, वो अवॉइड हो सकता है अगर इसको अगर जल्दी से जल्द अगर पहचाना जाए तो। इसका इलाज ENT हॉस्पिटल कोटी हैदराबाद में फ्री में हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोगों को ब्लैक फंगस के जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी है उसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कम लोगों में होता है, लेकिन इसे जितना भी ये सोशल मीडिया है या फिर जितना भी व्हाट्सएप वगैरह है, उससे लोगों में एक तरीक़े का डर पैदा हो गया कि ब्लैक फंगस से बहुत सारी जाने जाती हैं और बहुत ज़्यादा फैल रहा है करके। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही कम, जो लोगों का इम्यूनिटी बहुत ही कोलैप्स हो गया हो या बहुत सारे दिन स्टेरॉइड्स पे रहे हो या जिसको शुगर या कोई और बीमारियां जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ऐसे लोगों में पाया जाता है। तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी है तो वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रुजू होकर अपना इलाज करवा सकते और कम से कम में या एक रुपया भी उनका कुछ भी खर्च नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाएंगे तो वहाँ पर सबका इलाज होगा। कोविड हॉस्पिटल के लिहाज से एमएलए साहब से भी आज मीटिंग हुई, एमएलए साहब आईसीयू सेटअप के लिए 10 बेड का आईसीयू सेटअप के लिए बात करें, हमारे DME जो कमिश्नर साहब है रमेश साहब से भी बात करके और जितना सब कुछ है वो जल्द से जल्द अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अब तक तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मॉडरेट केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, आगे चल के अगर और थोड़ा जो सीवियर कंडीशन में जो केसेस रहेंगे कोविड के, उनका भी इलाज शुरू हो जाएगा।